नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सलूम्बर के गातोड़जी वीरपुरा स्थित गातोड़ मंदिर परिसर में गातोड़जी भक्त मंडल मुंबई की ओर से भव्य कार्यक्रम हुआ। सुबह भगवान की विशेष पूजा अर्चना के साथ मुख्य भोपाजी मोहनलाल औदिच्य सेमारी गातोड़ धाम संत फलाहारी महाराज की उपस्थिति में बाबजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो मंदिर से होती हुई गाँव के विभिन्न मोहल्लों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची। शोभायात्रा में लगाए गए गातोड़जी के जयकारों से वीरपुरा गूंज उठा। जयकारों के दौरान भक्त झूमते हुए नजर आए। भक्त मंडल के सदस्यों की उपस्थिति में जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, सलूम्बर विधायक अमृत मीणा, कल्लाजी संप्रदाय के अध्यक्ष गातोड़जी एवं कल्लाजी मंदिर के विभिन्न गादीपति उपस्थित थे। शाम को कथावाचक रामलाल राव ने गातोड़जी की जीवन की कथा का वाचन किया तथा 2100 दीपों से महाआरती की गई। एक से बढ़कर एक गायक कलाकारों ने भजन का पूरी रात आनंद लिया। सभी ने भगवान के भजन कीर्तन किए। सारी रात भक्तगण झूमते नजर आए। कार्यक्रम में जयसमन, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, जल्लारा, उदयपुर, वागड़ एवं मेवल क्षेत्र के कई गांव से सैकड़ों भक्तगण उपस्थित रहे। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान के अंतिम चरण के तहत आज सलूम्बर के विभिन्न क्षेत्रों में संग्रहण स्टॉल लगाए गए। राकेश प्रजापत ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण से वंचित रहे लोगों के लिए आज नगर में 4 जगह डाल चौराहे, बस स्टैंड, सूरज पुल के बाहर, बड़ौदा बैंक के पास निधि समर्पण स्टॉल लगाए गए। अब तक सलूम्बर क्षेत्र में करीब 170 करोड़ हो चुका है, जिसमें करीब 4000 स्वयं सेवकों ने सेवाएं दी है। सराड़ा थाना क्षेत्र में अब नए चोरों की दहशत बढ़ रही है और ये नए चोर वाहन से बैटरियां चुराने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना सराड़ा थाना के मायर गांव में लालूराम पटेल के साथ हुई, जहां बीती रात उसके घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से अज्ञात बदमाश बैटरी चुरा ले गए। सुबह जब बैटरी का पैनल खुला देखा तो उसके होश उड़ गए। घटना की रिपोर्ट सराड़ा थाना पुलिस को दे दी गई है, जिसके अलावा क्षेत्र के केजड़ गांव से भी बैटरियां चोरी होने की सूचना मिली है। श्री कृष्णा कल्याण संस्थान तथा जीबीएच अमेरिकन अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत थाना क्षेत्र तथा आसपास के आदिवासी एवं निर्धन ग्रामीण निवासियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं दवा वितरण का एक दिवसीय आयोजन प्रातः 10 बजे से 2 बजे ग्राम थाना में उच्च माध्यमिक विद्यालय पर आयोजित किया गया। संस्थापिका माया बहन के द्वारा जरूरतमंद लोगों को कपड़े व कम्बल वितरित किए गए। कैंप में चिकित्सकों का दल आवश्यक सुविधाओं के साथ उपस्थित रहा। कैंप के उपरांत आगामी 15 दिवस के लिए ग्राम थाना से उदयपुर अस्पताल के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई। संस्थान के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह कृष्णावत ने कहा कि जिस तरह से वर्तमान में मौसम परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में मानव सेवा एवं समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः जब भी मौका मिलता है संस्थान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा करता है। सुदूरवर्ती क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगने से आदिवासी अंचल के ग्रामीणों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि क्षेत्र में चिकित्सकों का घोर अभाव है। शिविर में मरीजों के ब्लड बैंक, शुगर ब्लड, यूरिन टेस्ट एवं अन्य बीमारियों की जांच पड़ताल कर मुफ्त चिकित्सा सेवा का लाभ लोगों को मिला। साथ ही मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। शिविर में विभिन्न बीमारियों से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। वर्तमान में उम्र बढ़ने के साथ साथ गैर संचारी रोग के खतरे बढ़ते जाते हैं, जिसमें लोगों में सामान्य तौर पर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्ट्रोक की समस्या आती है। शिविर में आए लोगों को बीमारी एवं आपातकालीन स्थिति से बचाव के टिप्स बताए गए। आपातकालीन स्थिति में संयम के साथ जरूरी एहतियात बरतते हुए प्राथमिक उपचार व घरेलू नुस्खों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही संयमित खानपान तथा संयमित जीवन शैली की महत्ता भी समझाई गई। लोगों को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जाँच के लिए प्रेरित किया गया कि हर 6 महीने में अपने शरीर की सभी जाँचें करवानी चाहिए। भविष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर में चर्म रोग परामर्श, नेत्र रोग परामर्श, कान नाक गला रोग तथा बाल रोग विशेषज्ञों वगैरह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम संस्थान की संस्थापिका माया बहन, अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह कृष्णावत, सचिव हितेश कुमावत, घनश्याम सिंह चुंडावत, सरपंच पुत्र पुरुषोत्तम मीणा, उप सरपंच, सभी वार्ड पंच व गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। सलूम्बर तहसील एवं धरियावद विधानसभा के देवगांव के पास बियावला से आने वाले स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत है। दरअसल इन बच्चों के स्कूल आने जाने वाली सड़क का जो हाल है, उसे देखकर लगता है कि इसे पार ही कैसे किया जाए, लेकिन ये इन बच्चों का रोज का संघर्ष है। देवगांव से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूर बियावला से आने वाले स्कूली बच्चे साइकिल भी नहीं ला सकते। इस रोड से किसान एवं अन्य राहगीरों को भी निकलते समय सावधानी बरतनी पड़ती है और कई बार यहाँ हादसे के शिकार भी होते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधि को इस रोड की समस्या के बारे में बताया, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। अब देखना यह होगा कि इस तरह से बच्चों का गुजरना कब तक सरकार देखेगी और कब तक इस रोड का निदान हो पाएगा। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पहले रोड का काम भी नरेगा की तरफ से हुआ, लेकिन वह भी सही तरीके से नहीं होने की वजह से फिर से टूट गया है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का
का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।